यूपी के बरेली में दो समुदाय के प्रेमी जोड़े ने वीडियो वायरल कर पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। सुखपाल नामक युवक ने उक्त थाना हाफिजगंज क्षेत्र की पुलिस द्वारा उसके घर में तोड़फोड़ करने व परिजनों को तंग करने की हवस में बरेली पुलिस को ट्वीट कर सुरक्षा की मांग की थी। वहीं दोनों की रजामंदी से प्रेम विवाह कर साथ फेरे लेने का वीडियो वायरल किया गया था। उक्त मामले में एसपी ग्रामीण ने कहा कि दोनों बालिक हैं, बाकी उनके द्वारा आधार कार्ड वायरल किया है जिसकी जांच कराई जा रही है। सर, ये वीडियो वायरल हो रहा है, क्या मामला है, क्या कार्रवाई की? दिनांक 20 जून 2021 को थाना क्षेत्र हाफिजगंज के रेठौरा में श्री फरियाद हुसैन द्वारा थाने पे एक मुकदमा 363/366 का पंजीकृत कराया है, जिसमें उनका आरोप है कि उनकी बहन को उनके पास में ही रहने वाले सुखपाल अपने दो अन्य लोगों के साथ गला फुसला कर ले गए हैं। इस संदर्भ में थाना हाफिजगंज में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जो समय धारा है 363/366 में, और इसके संदर्भ में उनकी बरामदगी हेतु गिरफ्तारी और बरामदगी हेतु जो है हमारे प्रयास जारी हैं। साथ ही साथ इसमें सोशल मीडिया पे एक उक्त लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रही है कि उसकी उम्र जो है 18 साल से ज़्यादा की है और वो अपनी मर्जी से गई है। इस वीडियो की भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और शीघ्रता से हमारी टीमें इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि उपरोक्त बालिका की बरामदगी हो और मेडिकल रिपोर्ट और जो अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें जो उसकी एज डिसाइड होगी तदनुसार उसके गानों के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। वीडियो वायरल किया है, उसमें अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है, जिसके घरवाले अभी तो चूँकि हम लोगों को ये पता नहीं है कि उनकी लोकेशन कहाँ पर है। हम लोग लोकेशन कहाँ कहाँ हो सकती है उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही साथ उनके उनके परिवार की सुरक्षा के लिए थाना प्रभारी को निश्चित कर दिया गया है। अब ये सारी चीज़ें बालिका के बरामद होने के उपरांत ही स्पष्ट तौर पर चल रहा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।